हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो अपन पढ़ेंगे वो होगा एनसीईआरटी क्लास 12th ड्राइंग सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर फोर। बोर्ड एग्जाम में मार्क्स नंबर भी 4। 4 नंबर का पेपर होगा, 4 नंबर का ये आपका चैप्टर होगा और इस 4 नंबर को आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्लियर करेंगे, 4 नंबर श्योर करेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये लेक्चर। दोस्तों, चर्चा करेंगे अपन दक्षिण भारत की चित्रकला के बारे में, जो आपके एनसीईआरटी क्लास 12th में जो ड्राइंग सब्जेक्ट है उसका 4th अध्याय है। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं दक्षिणी जो चित्रकला है उसका इतिहास कब रहा, मतलब दक्षिणी भारत की चित्रकला सबसे ज़्यादा कब विकसित हुई, किस समय पर सबसे ज़्यादा इसका विकास हुआ। तो दोस्तों, जो दक्षिणी भारत की चित्रकला है वो 16वीं सदी से पहले से लेकर, यानी कि 15वीं सदी से लेकर लगभग 1680 तक फली फूली, यानी 1680 तक इसका विकास सबसे ज़्यादा हुआ। आगे देखते हैं दक्षिणी चित्रशैली की विषय वस्तु क्या है। दोस्तों, दक्षिणी चित्रशैली की विषय वस्तु में देखिए, एक तो दक्षिणी चित्रशैली विभिन्न शैलियों का मिश्रित रूप है, यानी कि इसे पारसियन शैली भी कह सकते हैं। इसके अलावा तुर्कियन शैली का भी इस पर प्रभाव है और मुगल शैली का भी इस पर प्रभाव है, यानी कि पारसियन शैली, तुर्कियन शैली और मुगल शैली का मिश्रित रूप ही क्या है दोस्तों, दक्षिण भारत की चित्रशैली है। दूसरी विशेषता क्या है, इस चित्रशैली में ऐतिहासिक और धार्मिक महापुरुषों का चित्रण किया गया है, यानी कि इतिहास से संबंधित जो भी बड़े व्यक्ति रहे हैं, जो भी राजा महाराजा रहे हैं या जो धार्मिक पात्र है, जो धार्मिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं, उन व्यक्तियों का चित्रण इस चित्रशैली में मुख्य रूप से किया गया है। अनूठी दरबारी चित्रकला, दोस्तों इस शैली में जो चित्रकला है वो मुख्य रूप से दरबारी चित्रकला के रूप में जुड़ी हुई है और एक विशेष दरबारी कला इस चित्रकला में हमें देखने को मिलती है। गहरे रंगों का प्रयोग, दोस्तों आखिरी विशेषता है इसकी कि इस चित्रशैली में गहरे रंगों का, चमकीले रंगों का, चटकीले रंगों का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया। ये अपन ने देखा दक्षिण भारत की जो चित्रशैली है उसकी विषय वस्तु क्या थे। अब देखते हैं दक्षिण भारत की प्रमुख चित्रशैलियाँ। 3 चित्रशैलियाँ हैं, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। तीनों चित्रशैलियों को अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, पहली चित्रशैली आती है आपकी अहमदनगर की चित्रशैली। दोस्तों, अहमदनगर दक्षिण भारत का एक राज्य था, वहाँ पर जो चित्रशैली पनपी उसे अहमदनगर चित्रशैली का नाम दिया गया। इस चित्रशैली का प्रारंभिक उदाहरण हमें मिलता है हुसैन निजाम शाही ग्रंथ में। कौन से ग्रंथ में मिलता है? हुसैन निजाम शाही ग्रंथ में। दोस्तों, ये जो ग्रंथ है, ये जो काव्य ग्रंथ है, ये हुसैन निजाम शाही प्रथम की प्रशंसा में लिखा गया है, उसकी बड़ाई करने में लिखा गया है, उसकी प्रशंसा करने में लिखा गया है हुसैन निजाम शाही ग्रंथ। और इस ग्रंथ में कुल 12 चित्र है जो युद्ध से संबंधित और विवाह से संबंधित, यानी कि निजाम शाह के विवाह के दृश्यों से संबंधित है। यही दोस्तों कौन सा ग्रंथ है? हुसैन निजाम शाही ग्रंथ। इसका प्रारंभिक उदाहरण हमें हुसैन निजाम शाही ग्रंथ में मिलता है, जो 1553 से लेकर 1565 के बीच में बना गया, जिसमें कुल 12 लघु चित्र हैं जो युद्ध और विवाह के दृश्यों से संबंधित है। बस इतना सा क्लियर है। एक याद रख लेना कि हुसैन निजाम शाही ग्रंथ किसकी प्रशंसा में लिखा गया है, तो हुसैन निजाम शाही प्रथम की प्रशंसा में ये ग्रंथ लिखा गया है। अब इस शैली की विशेषताओं की चर्चा कर लेते हैं। कौन सी शैली की? अहमदनगर चित्र शैली की विशेषताओं की बात करते हैं। तो दोस्तों, इसमें एक तो स्त्रियों की जो वेशभूषा है वो दक्षिणी फैशन के नज़रिए से है, मतलब स्त्रियों के केस जो है वो जुड़े टाइप में बना के रखती है, यानी कि महिलाएं, देखा होगा अपने महिलाओं को कि बाल जो लंबे होते हैं उनको ऐसे गोल करके फिर ऊपर ऐसे गोल गोल राउंड कर लेते हैं, शायद उसे ही जुड़ा कहते हैं, और लड़कियां तो ख़ास तौर से इसे जानती होगी। तो इस शैली में जो महिलाएँ होती है वो एक जुड़े के रूप में अपने बालों को रखती है। और वस्त्रों की बात करें तो दोस्तों, वस्त्र बड़े इंटरेस्टिंग हैं इनके। वस्त्र बहुत कम वस्त्र जो है ये धारण करते थे, एक दुपट्टे में लिपटे हुए सिर्फ दिखाया जाता था, यानी कि एक दुपट्टा होता था जो ऊपर से लेकर लिपटा हुआ नीचे तक आता था, और बहुत ही
एक सटीक, एक सुंदर और एक स्लीम आकृति महिला को दी जाती थी, यानी कि बहुत ही सुंदर दी जाती थी, एक लंबी आकृति और बिल्कुल स्लीम दिखाई देती थी। अच्छा, आगे देखते हैं रंगों का प्रयोग। इस चित्र शैली में वही चटकीले रंगों का और गहरे रंगों का प्रयोग इसमें किया गया था। पुरुषों की वेशभूषा की बात करें तो पुरुषों को एक नकुले जामा के रूप में दिखाया जाता था, यानी कि उनकी वेशभूषा जो पाई जामा अपन बोलते हैं वैसी वेशभूषा होती थी और सिर पर पगड़ी होती थी। कौन सी चित्रशैली में? अहमदनगर चित्रशैली में। आगे देखते हैं, आगे इसकी विशेषता है बुखारा शैली का अनुसरण किया गया। दोस्तों, इस शैली में जो तुर्कियन शैली थी बुखारा शैली, उसका अनुसरण इस शैली में किया गया, उसी के अकॉर्डिंग इसमें चित्र बने और जो रंगों का प्रयोग वगैरह वो उसी के अनुसरण से इसमें हुए। तो ये पहली चित्र शैली थी अपनी, कौन सी? अहमदनगर चित्र शैली। इसमें मुख्य रूप से आपको क्या याद रखना है? हुसैन निजाम शाही ग्रंथ के बारे में याद रखना है। दूसरी चित्र शैली में चलते हैं, बीजापुर शैली। बीजापुर शैली दोस्तों, इस शैली का प्रारंभिक उदाहरण नुजुम अल उलूम है। कौन सा ग्रंथ है? नुजुम अल उलूम है। और इस ग्रंथ की रचना हुई थी दोस्तों 1570 में। कब हुई थी? 1570 में। इस ग्रंथ में 876 लघु चित्र है। कितने? 876, यानी कि 876 लघु चित्र है। डिक्रीज करना, घटाना, 8 फिर 7 फिर 6, उल्टी गिनती बोलनी है। 876 लघु चित्र है कौन से ग्रंथ में? नुजुम अल उलूम ग्रंथ में। दोस्तों, ये ग्रंथ किससे संबंधित है? इस ग्रंथ में जो चित्र है वो या तो बर्तनों के हैं, या फिर शस्त्रों के हैं, या फिर खगोल विद्या पर आधारित है। तो तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, कौन सा? खगोल विद्या पर आधारित ग्रंथ कौन सा है? नुजुम अल उलूम। और कौन सी शैली में बना गया? बीजापुर शैली में। दोस्तों, बीजापुर चित्र शैली को संरक्षण देने वाले दो प्रमुख चित्रकार थे और दो प्रमुख शासक थे। कौन कौन से? आदिल शाह प्रथम और इब्राहिम द्वितीय। आदिल शाह प्रथम और इब्राहिम द्वितीय ने सबसे ज्यादा संरक्षण दिया बीजापुर शैली का। दोस्तों, इब्राहिम द्वितीय की बात करें तो इब्राहिम द्वितीय एक स्वयं भारतीय संगीत का ज्ञाता था, यानी कि भारतीय संगीत के बारे में वो बहुत ज़्यादा जानता था, एक तरीके से विशेषज्ञ था। और उसी ने संगीत पर आधारित एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था नौरसनामा। क्या नाम था दोस्तों? नौरसनामा ग्रंथ का नाम था। और किसने लिखा था? इब्राहिम द्वितीय ने। याद रखना है, इब्राहिम द्वितीय भारतीय संगीत का विशेषज्ञ था जिसने नौरसनामा ग्रंथ की रचना की थी। इसी शैली में बना हुआ एक चित्र जिसकी बात करते हैं, द थ्रोन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। द थ्रोन ऑफ प्रॉस्पेरिटी दोस्तों, ये जो चित्र है ये सिंहासन का एक चित्र है, यानी कि इस चित्र में सिंहासन दिखाया गया है। दोस्तों, ये सिंहासन जो है वो बहुत ही संपन्न और सुभ्यता के रूप में दिखाया गया है, यानी कि एक संपन्न शासक का सिंहासन इसमें दिखाया गया है, जिसमें 7 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्था है? 7 अवस्थाएं हैं, आदिवासियों से लेकर वर्तमान समय तक की। क्लियर है? इस चित्र में बाघ भी दिखाए गए, हाथी भी दिखाए गए हैं, मोर भी दिखाए गए हैं। क्लियर है? इसके अलावा पेड़ों के झुरमुट भी दिखाए गए हैं। अगर लकड़ी के नक्काशे की बात करें, लकड़ी की बनावट की बात करें, तो गुजराती शैली का नाम आता है इस चित्र शैली में, इस चित्र में। और अगर रंग रोगन की बात करें तो पारसियन शैली से प्रभावित इसका रंग रोगन है। लकड़ी का काम गुजराती और रंग रोधन का काम पारसियन शैली। कौन से चित्र में? द थ्रोन ऑफ प्रॉस्पेरिटी में। यह चित्रण सिंहासन की संपदा को दर्शाता है जो 7 अवस्थाओं में बनता है। लकड़ी की कारीगरी गुजराती और रंग रोधन की पारसियन शैली की है। आगे चलते हैं, योगिनी चित्र। बहुत ही अद्भुत चित्र, बहुत ही सुंदर चित्र, मन को हर लेने वाला बहुत ही सुंदर चित्र। इतनी सुंदर नारी का चित्रण किया गया है जो हर कोई देख के अचंभित हो जाएगा, पहली नज़र में ही उसे प्यार हो जाएगा, ऐसा चित्र। ये जो योगिनी है, लेकिन देखो दोस्तों, प्यार भी होगा तो किससे होगा? ऐसे इस तरह से जो संसारिक जीवन को त्याग चुकी है, मतलब वो अब साधु वेश में आ गई है, अब वो उसे प्रेम से या फिर किसी तरीके से संबंध बनाने से कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा चित्र है ये योगिनी, जिसमें बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। दोस्तों, इस चित्र में एक स्त्री को दर्शाया गया है जो बहुत ही सुंदर है, स्लिम है, फिट है पूरी तरीके से, और योग की मुद्रा में दर्शाया गया है। इस चित्र में क्या है, यह स्त्री अपने सांसारिक जीवन को त्याग कर
एक योग मुद्रा में दर्शाया गया है, यानी कि सांसारिक जीवन को त्याग कर एक अलग ही जीवन में जीवन व्यतीत करती है, जिसमें योग करती हुई इसे दिखाया गया है। योग करते समय एक चिड़िया, एक मैना इसे देख रही है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। यानी चित्र का नाम भी अपन ऐसे बोल सकते हैं, योगिनी और मैना का चित्र, योगिनी मैना का चित्र ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इसकी विशेषताएं क्या है दोस्तों इस चित्र की, मैंने बता दिया आपको, बहुत ही स्लिम है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। अच्छा, और भी विशेषताएं क्या, वही बालों में क्या जूड़ा, लड़कियां अच्छी तरह जानती है जूड़ा क्या होता है, बालों में गोल गोल राउंड राउंड ऊपर ऐसे एक स्टेडियम सा बना लेना, एक तो गोल गोल एक पब सा बना लेना, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जूड़ा। अच्छा, और दूसरी विशेषता क्या है इस चित्र में, इस महिला को, इस लेडी को, इस स्त्री को एक वस्त्र में, एक दुपट्टे में लिपटे हुए दिखाया गया है, है ना। तीसरा, इसे बहुत ही स्लिम आकृति में दिखाया गया है, बहुत ही दुबले पतले और लंबी खड़ी आकृति में दिखाया गया है, एक लंबी अवस्था में दिखाया गया है, योग की मुद्रा में है, बहुत ही सुंदर है। तो इस प्रकार का ये चित्र है, योगिनी चित्र। तो ये अपना दूसरा जो शैली है बीजापुर शैली, ये कंप्लीट हुई। अब तीसरी शैली की चर्चा करते हैं, और तीसरी शैली कौन सी है आपकी, गोलकुंडा चित्र शैली के बारे में पढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों, अब अपन स्टार्ट करते हैं आपकी तीसरी चित्रकला, और तीसरी दक्षिण भारत की चित्रकला है वो गोलकुंडा चित्रकला। दोस्तों, बच्चे मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करके बताते हैं कि सर वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, और वीडियो काफ़ी बड़ा होने की वजह से बोरिंग हो रहा है, तो हमें बीच बीच में एंटरटेन कीजिएगा। सर अब मैं एंटरटेन आपको कैसे करूं, एंटरटेन करने के लिए मेरे पास में कुछ है ही नहीं, मैं सिर्फ पढ़ा सकता हूं। हाँ अच्छा, मैं आपको एक गाना सुना देता हूं, आज इस वीडियो में सुना देता हूं। अच्छा, आपके लिए है ये। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूं मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। चलो कर दिया एंटरटेन, अब देखते हैं अपन तीसरी गोलकुंडा चित्र शैली के बारे में, अब खुश हो। चलो देखिए, गोलकुंडा जो राज्य है उसका, वो राज्य स्वतंत्र बना था 1512 ईस्वी में गोलकुंडा राज्य एक स्वतंत्र राज्य बना था। और इस गोलकुंडा जो राज्य है ये दक्षिण भारत का सबसे धनाढ्य, सबसे अमीर, सबसे पैसे वाला जो राज्य था वो था। कारण ये था दोस्तों कि ये पूर्वी तट पर स्थित है, और पूर्वी तट पर स्थित होने की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर बंदरगाह है, बंदरगाह समझते हो पतन, तो बहुत ज़्यादा बंदरगाह होने की वजह से पूर्वी एशिया और जो पूर्वी एशिया है वहाँ तक, और इसके अलावा ईरान तक यहाँ से कपास का आवागमन होता था। तो जितने भी यूरोपीय व्यापारी लगभग जो आए वो पूर्वी तट पर पहले आए, क्योंकि यहाँ पर बंदरगाह थे। इसके अलावा पूर्वी एशिया के जितने भी जहाज आते थे वो यहीं पर आते थे, तो इसलिए ये व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका था, इसलिए ये बहुत ज़्यादा धनाढ्य था, अमीर था। यहाँ के चित्रों को अगर अपन देखते हैं तो यहाँ के चित्रों में सबसे ज़्यादा आभूषणों, यानी कि सोने के आभूषण हमें दिखाई देते हैं, और ये आभूषण महिलाएं भी पहनती थी और पुरुष भी पहनते थे, दोनों महिलाएं और पुरुष दोनों इस प्रकार के आभूषण पहनते थे। तो कह सकते हैं कि दक्षिण भारत का सबसे धनाढ्य, सबसे अमीर राज्य कौन सा, गोलकुंडा, जो स्वतंत्र हुआ 1512 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ। अच्छा, इस शैली के प्रमुख चित्रों की चर्चा करते हैं। पहला चित्र आता है आपका दीवान ए हफीज। दोस्तों, दीवान ए हफीज, इस ग्रंथ की रचना हुई थी 1463 ईस्वी में। इस ग्रंथ में कुल 5 चित्र है, कितने चित्र हैं, 5 चित्र है इस ग्रंथ में दीवान ए हाफिज। इस चित्र में कुल 5 चित्र है जो सभी सोने से मढ़े हुए हैं। अपने देखा धनाढ्य है, सोने की कमी नहीं है, तो आराम से चित्र भी सोने के मढ़े हुए होंगे, तो 5 चित्र सोने से मढ़े हुए हैं। इस 5 चित्र में एक युवा शासक को दिखाया गया है, युवा शासक तलवार को पकड़े हुए सिंहासन पर बैठा है इन चित्रों में। इसके अलावा उस युवा शासक का मनोरंजन करने के लिए नृत्यांगनाएं सामने नाच रही है, डांस कर रही है।
इसके अलावा यहाँ पर जानवर भी, इस चित्रों में जानवर भी दिखाए गए हैं, लोमड़ी भी दिखाई गई, लोमड़ी नीले रंग की दिखाई गई है, और सबसे ज़्यादा बैंगनी रंग का प्रयोग हुआ है इस चित्र में, दीवान ए हाफिज। ओके दोस्तों, गोलकुंडा चित्र शैली का प्रमुख चित्र दीवान ए हाफिज निर्माण हुआ, रचित हुआ 1463 में। 5 चित्र थे, 500 सोने से मढ़े हैं। युवा शासक को दर्शाया गया है, तलवार पकड़े सिंहासन पर बैठा है। जानवर, नृत्यांगनाएं, बहुत सारे जो वृक्ष है, लताएं हैं, वो भी इसमें दिखाई गई हैं। अच्छा, दूसरे चित्र की बात करते हैं, मोहम्मद कुतुब साहब। मोहम्मद कुतुब साहब जो चित्र हैं, उसकी रचना हुई थी 1611 ईस्वी से लेकर 1626 ईस्वी के बीच में। यानी कि अपन कह नहीं सकते कि ये जो चित्र है वो 1611 से 1626 के बीच में कब बना, इसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है। दोस्तों, यह जो चित्र है, इस चित्र में मोहम्मद कुतुब साहब एक बहुत ही सुंदर टोपी पहने हुए हैं, सुंदर वस्त्रों के साथ में दिखाया गया है, और सिर पर टोपी धारण किए हुए हैं। आगे वाले चित्र की बात करते हैं, आगे वाला चित्र है बगीचे में कवि। ये मोहम्मद अली ने बनाया था, और गोलकुंडा चित्र शैली का ही चित्र है। बगीचे में कवि बैठा हुआ है, उसको एक दर्शाया गया है। ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, ये तीनों गोलकुंडा चित्र शैली के चित्र है, बस इतना सा याद रखना है। इसकी कुछ विशेषताएं आपको याद रखनी है। मोहम्मद कुतुब शाह चित्र गोलकुंडा का, और बगीचे में कवि ये भी गोलकुंडा चित्र शैली का चित्र है। आगे दूसरी की बात करते हैं, दूसरे ग्रंथ की। अच्छा, अब आ गया है आपका दक्षिणी शैली के प्रमुख चित्र। दक्षिण भारत शैली के प्रमुख चित्र कौन कौन से, तीनों शैलियाँ आपकी कंप्लीट हुई, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। अब अपन देखते हैं दक्षिण भारत की प्रमुख शैलियाँ, जो दक्षिण भारत की शैली में प्रमुख चित्र कौन कौन से बने। पहला आता है मिश्रित घोड़ा। दोस्तों, मिश्रित घोड़ा क्या है, एक घोड़े की चित्र है। इस चित्र में, इस चित्र को जो बना रहे हैं उसमें मानव भी है, सारस भी है, शेर भी है। मतलब एक उड़ते मानव, उड़ते सारस, उड़ते शेर, इन सबको समूह बना के एक घोड़े की आकृति दे दी गई। यानी कि जैसे यहाँ पे शेर है, यहाँ पे पैरों में भी एक इंसान है, पीछे वाले पैर में एक इंसान है। यानी कि ये सब चित्र मिलकर एक चित्र की रचना करते हैं, जिसे मिश्रित घोड़े का नाम दिया गया, और इसमें सबसे ज़्यादा भूरे और नीले रंग का प्रयोग किया गया है। मैं इसकी आपकी फोटो, इसकी जो फोटो है वो मैं आपको यूट्यूब पर स्टेटस लगा दूंगा। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं इब्राहिम सुल्तान द्वितीय। इब्राहिम सुल्तान द्वितीय, यह जो चित्र है, ये दोस्तों अभी वर्तमान में कहाँ पर है, लेनिनग्राद रूस में है, और कहाँ पर, इंस्टीट्यूट ऑफ द पीपल्स एशिया, इंस्टीट्यूट ऑफ द पीपल एशिया नामक जो संग्रहालय है लेनिनग्राद रूस में, वहाँ पर ये चित्र संग्रहित है, इब्राहिम सुल्तान द्वितीय। दोस्तों, इस चित्र में क्या है, इब्राहिम सुल्तान जो है वो एक अश्व पर सवार है, एक घोड़े पर सवार है। घोड़ा बहुत तेज गति से चल रहा है, उड़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। यानी कि घोड़ा जो है वो एक उड़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। पृष्ठभूमि में सारस उड़ रहे हैं। पृष्ठभूमि क्या होती है, चित्र के पीछे वाले हिस्से में सारस उड़ रहे हैं। नीचे जो है चट्टानें, कठोर चट्टानें दिखाई गई है। घोड़े के जो पैरों का रंग है वो लाल दिखाया गया है। इसमें आदिल से आगे कपड़े भी उड़ रहे हैं, तो लगता है कि हवा में बहुत तेज गति से घोड़ा चल रहा है। घोड़े पर तेज गति से उड़ते आदिल साहब को दिखाया गया है। घोड़े के पैर लाल रंग के हैं। पृष्ठभूमि पर सारस है। सूर्य की रोशनी के कारण पीछे का पृष्ठभूमि का रंग नीला दिखाई दे रहा है। तो ये दो चित्र प्रमुख हुए इस शैली के, दक्षिण भारत की शैली के, कौन कौन सा, मिश्रित घोड़ा और इब्राहिम सुल्तान द्वितीय। अब आगे देखते हैं जो बचे हुए जो चित्र। हाँ, तो दोस्तों, अन्य बचे हुए चार चित्र, रागिनी पथक, पथमिश्का ऑफ राग हिंडोला, सुल्तान अब्दुल कुतुब साहब, हजरत निजामुद्दीन ओलिया व अमीर खुसरो, और चांद पोलो खेलती चांद बीबी, इन चार चित्रों के बारे में और चर्चा करते हैं। रागिनी पथमिश्का ऑफ राग हिंडोला, यह जो चित्र है ये कहाँ पर रखा हुआ है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। चारों के चारों चित्र दोस्तों राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखे हुए हैं, नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में संग्रहित है। इस चित्र में कुल 5 स्त्रियाँ हैं। कौन से चित्र में, रागिनी पथमिश्का ऑफ राग हिंडोला, इसमें 5 स्त्रियां हैं, जिनमें से 2 स्त्री अंदर आराम भवन में बैठी हैं, एक स्त्री जो है वो वीणा वाद्य यंत्र बजा रही है, और 2 अन्य स्त्रियां जो है उस सुर पर, उस संगीत पर नृत्य कर रही है। इस तरीके से 5 स्त्रियों को दिखाया गया है। बाईं ओर कोने में हाथी को दिखाया गया है, जो अपनी सूंड को उठाए हुए है। इसके बाद में देखते हैं आगे वाला चित्र, सुल्तान अब्दुल्ला साहब कुतुब साहब, ये भी नई दिल्ली में संग्रहित है। दोस्तों, इस चित्र में ऊपर, चित्र के ऊपर कुछ पार्सियन शैली में कुछ लेख लिखा हुआ है। इसके अलावा जो सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब साहब जो है वो हाथ में तलवार पकड़े हुए सिंहासन पर बैठे हैं, और सिर के पीछे प्रभा मंडल यानी कि सूर्य के प्रकाश को दिखाया गया है इस चित्र में। हजरत निजामुद्दीन ओलिया व अमीर खुसरो,
दोस्तों ये चित्र भी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। इस चित्र में जो संगीतकार थे, अकबर के जो संगीतकार थे, कौन? अमीर खुसरो। ये जो संगीतकार थे ये हजरत निजामुद्दीन ओलिया को संगीत सुना रहे हैं और हजरत निजामुद्दीन ओलिया अमीर खुसरो से संगीत आराम से बैठकर सुन रहे हैं। दोस्तों अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। उसके द्वारा काव्य रचित काव्य आज भी दिल्ली के जो हजरत निजामुद्दीन ओलिया जो दरगाह है वहाँ पर गाए जाते हैं और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर सुनने के लिए भी आते हैं। और आगे चलते हैं लास्ट वाले चित्र पर, पोलो खेलती चांद बीबी। दोस्तों दक्षिणी चित्र शैली का प्रमुख चित्र पोलो खेलती चांद बीबी। इसमें चांद बीबी को घोड़े पर सवार होकर पोलो खेल खेलते हुए दिखाया गया है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट और आपके मार्क्स नंबर 4 भी कंप्लीट। 4 नंबर आपके कंप्लीट हो गए और चैप्टर नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।